बाद में लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, अच्छा किसी ने गुस्से में तलाक दी तो कोई खुशगवार मूड में तलाक देगा? खुशगवार मूड में तो तलाक नहीं होती, जाहिर है इसका बायस गुस्सा ही होता है। नॉर्मली गुस्सा दो चार दिन में ख़त्म हो जाता है, और वो जो तड़ाक 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 किया था उसके बाद बहुत ज़्यादा, यानी तलाक को, रिश्ते को जो तोड़ने का सिलसिला किया था, वो सिलसिला फिर बाद में बहुत महसूस होता है। फिर लोग दबाव डालते हैं, कोई सूरत निकाले हैं, कुछ ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारा गिराना ये हो जाएगा, हम कोई भी हर्जाना या कोई भी कफारा अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी तरह हमारी ज़िंदगी बचा लें। भाई अल्लाह पाक ने बचाई है, अल्लाह ताला कब इजाज़त देता है। हज़रत उमर कोड़े लगाते थे जो एक वक्त में तीन तलाक़ें दे देते थे, लेकिन ये भी रियलिटी है कि एक वक्त में दी गई तीन तलाक़ों की हैसियत तीन की है ही नहीं, वो एक ही रहेगी, एक रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये ज़्यादती का मामला है, और ज़्यादती पर सज़ा भी होनी चाहिए, और अल्लाह के यहाँ भी सज़ा होगी कि एक वक्त में अगर एक काम करना था तो आपने कहा हज़ार बार तलाक, तो हज़ार बार तो अल्लाह ताला की यहाँ हिसाब देना होगा, क्योंकि असल में तो एक ही तलाक होगी। तो अल्लाह पाक ने मौका दिया है इद्दत यानी तलाक की मुद्दत मुकरर करके, कि उसकी वजह से यानी मर्द भी सोचे, औरत भी सोचे, घर वाले भी बैठ के समझाएं, तो आपस में निभाह का मौका मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तलाक इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, लेकिन तलाक की इजाज़त है, अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में सबसे ज़्यादा मबहूस है। तो जो शख्स निकाह और तलाक के मामले में इस्लाम के उसूल पर चलना चाहे तो उसे चाहिए कि मसनून तरीके से तलाक दे, और तलाक अगर एक बार तलाक दी है और पहले तौर के बाद हैज का पीरियड भी गुजर गया, तो ऐसी सूरत में उसके पास गुंजाइश है, वो रुजू कर सकता है। और अगर रुजू कर लिया, कई साल तक ऐसी सूरत हाल रही, फिर तलाक दे दी, फिर भी ऐसी सूरत हाल है कि फिर भी उसके पास गुंजाइश है इद्दत तक की, लेकिन अगर अब की बार रुजू कर ले तब चांस नहीं है, क्योंकि जो ही वह तलाक देगा उसी वक्त वाकई हो जाएगी। तो यूं हम देखते हैं कि जुदाई से पहले यानी मुस्तकिल जुदाई से पहले अल्लाह पाक ने तीन कुरू तक सोचने का मौका दिया है, और इतनी देर में नॉर्मली इससे बहुत पहले ही गुस्सा उतर जाता है। तो अगर किसी वक्ती जज्बे के तहत तलाक दिए तो वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर मुस्तकिल फैसला किया है तो उसमें लाजमी तौर पर फिर तीसरे तौर में तलाक हो जाएगी। जैसे निकाह एक हकीकत है, तलाक भी बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन तलाक की कसरत नई चीज़ है, यानी ज़माने में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तलाकों की रेशो इस कदर ज़्यादा बढ़ जाए। हकीकत ये है कि जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वहाँ पर तलाकों की रेशो भी साथ में ज़्यादा हुई है, क्योंकि औरत भी उसी तरह से मर्द बन जाती है, सनअती तरक्की के लिए मर्द कारकुनों के साथ औरतों की ज़रूरत पड़ती है, और औरत ज़रा सस्ता कारकुन है जिसके लिए जब वो निकलती है घर से अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को छोड़ती है तो उसकी बुनियादी जिम्मेदारियों से कोई भी एरास नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे डिमांड तो रहती है कि वो अपना घर संभाले, अपनी औलाद संभाले, उनकी तरबियत करे। फिर जब औरत ये सब कुछ नहीं कर पाती तो बाहमी इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। इसलिए ये भी देखने की ज़रूरत है कि तलाक का हुक्म क्या है। सबसे पहली बात यह कि तलाक एक एक्सेप्शनल केस है, तलाक कोई यानी ऐसा हुक्म नहीं है जो सब पर फ़र्ज आयद हो जाता है। अल्लाह ताला ने इसके लिए अहकामात मुकरर किए हैं, और क़ुरान एक महफूज किताब है जिसमें इंसानी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात का लिहाज रखा गया। तो नागज़ीर हालात में तलाक की इजाज़त है। हदीस में इसको अबग़ज़ुल मुबाहात यानी मुबाह चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा करार दिया गया। हाँ, ये हुक्म ज़रूर दिया गया है कि जब दोनों के लिए निबाह करना मुमकिन ना हो तो अच्छे तरीके से अलहदा हो जाएं, ज़िद की नफ्सियात के साथ इकट्ठे ना रहें, यानी एक दूसरे को बेइज्जत करने या बेसहारा करने की कोशिश ना करने लगे। कुरान हकीम में तलाक के हुक्म में ये इरशाद हुआ सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 49 में, वसर रिहुहुन्ना
सराहन जमीला, जब उन्हें तलाक देकर रुखसत करो तो भले तरीके से शरीफाना अंदाज से रुखसत कर दो। तलाक की दो सूरतें हैं, मैं फिकी एतबार से आपके सामने नहीं रख रही कि तलाक दो मरतबा है और तीसरी मरतबा तो अच्छे तरीके से रुखसत कर देना है। मैं इसको जनरली तलाक को समझने के लिए कि तलाक की ज़रूरत कब पेश आती है, एक तो वक्ती जज्बे के तहत तलाक की ज़रूरत पेश आती है और दूसरी मुस्तकिल फैसले के तहत। उमूमी तौर पर वक्ती जज्बात इसका बायस बनते हैं, गुस्सा आ गया, चाहे वो वक्ती हो या मुस्तकिल गुस्सा हो, तो दोनों मामलात की नौयत अलग अलग है। ख़ानदानी ज़िंदगी में तलखियाँ और नाखुशगवारियाँ पेश आती रहती हैं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंसान कोशिश भी करे तो कभी नाखुशगवार हालात पेश ना आए। नाखुशगवार हालात इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा हैं, माशरती ज़िंदगी का हिस्सा हैं। नाखुशगवार हालात में बंदे मोमिन को बताया गया इख्तिलाफ़ के वक्त उसने क्या करना है, अगर कोई सख्त अल्फाज बोल लेता है तो औरत अगर सब्र कर जाए या इराज कर ले, यानी उसको अपने दिल पे सवार ना करे, तो वो बला टल जाती है, यानी वो सूरत हाल ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लोग झूठे पिंदार में मुब्तला होते हैं, अनापरस्त होते हैं, ना वो सब्र कर सकते हैं ना इराज करके उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में जब औरत सब्र नहीं करती तो मर्द भी अपने गुस्से के इजहार के वक्त तलाक तलाक कह के रिश्ते को एक ही बार तोड़ डालता है। ये गैज़ो गज़ब की इंतहाई सूरत है जिसमें मर्द जो है एक ही बार तलाक दे देता है। तो इस्लाम का मुकर्रर करदा तरीका जो है वो तलाक जैसी बुराई को रोकने के लिए इंतहाई कामयाब और फितरी तदबीर है। इस्लाम का तरीका ये अत्तलाक मर्रतान, तलाक दो बार है। फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, फिर या तो मारूफ तरीके के मुताबिक औरत को रोक लेना है या अच्छे तरीके से उसको रुखसत कर देना है। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने तलाक की आयत में दो बार का जिक्र किया है, तीसरी बार कहाँ है? आपने फरमाया एहसान के साथ रुखसत करना, क्योंकि फिर तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती, यही तीसरा है। इससे मालूम होता है जब किसी शख्स के दिल में अपनी बीवी को तलाक देने का ख्याल आए तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही बार तीन दफ़ा तलाक दे के उसे रुखसत कर दे। सही तरीका ये कि उसको एक तोहर में तलाक दे और फिर उसे यानी इंतज़ार करे, जब औरत हैज से हो फिर अगले तोहर में उसे दूसरी तलाक दे, फिर हैज से पाक हो जाए, अब की बार अगर वो तलाक देगा तो उसे रुखसत ही करना है, या तो वो तीसरे तोहर में रुजू कर लेगा। तीन महीने का अर्सा है, इतना भी क्या गुस्सा जो इतने लंबे अरसे जारी रहे।